हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं त्र्यंबकेश्वर में हूँ जो कि नासिक ज़िले में आता है और नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जगह त्र्यंबकेश्वर है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये पार्किंग है जो कि प्राइवेट है, मैंने पीछे गाड़ी खड़ी की है, मैं बाय कार यहाँ पर आया हूँ और 100 रुपये पार्किंग का चार्ज है यहाँ पर। अगर आपको फ्री में पार्किंग करना है तो भी अवेलेबल है, म्यूनसिपल्टी का पास में पार्किंग है वहाँ पर आपको फ्री में पार्किंग मिलता है और वो भी सेफ़ है, लेकिन यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं तो ये ज़्यादा सेफ़ है, तो मैंने यहाँ पर पार्किंग की है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। ये प्राइवेट पार्किंग है जहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी की है, मैंने आपको बताया, और इस तरफ सामने की तरफ म्यूनसिपल्टी का पार्किंग है। तो बिल्कुल पास में है मंदिर यहाँ से, ये यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तीर्थराज कुशावत और निवृत्तिनाथ मंदिर। तो उस गेट से लगभग 100 मीटर आगे आया हूँ मैं और यहाँ पर सारी होटल वगैरह है बिल्कुल पास में मंदिर के, सामने मंदिर है ये। अगर आपको यहाँ पर स्टे चाहिए तो आसानी से मिल जाता है मंदिर के पास में, लगभग 500 से लगा के 2-3 हज़ार तक की होटल मिल जाती है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे आश्रम वगैरह भी है जहाँ पर आपको फ्री स्टे भी मिल जाता है। तो ये जो द्वार मैंने आपको बताया श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का, सामने मंदिर है, ये एक्चुअली मुख्य एंट्री नहीं है, मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ से आगे की तरफ उस तरफ से है। ये स्पेशल एंट्री के लिए है, अगर आप 200 रुपये का टिकट लेते हो, डोनेशन करते हो तो आपको यहाँ से एंट्री मिलती है। तो ये टिकट विंडो है, यहाँ से 200 रुपये का आपको टिकट मिलेगा स्पेशल एंट्री करने के लिए इस द्वार से। तो ये डोनेशन स्लिप है 200 रुपये की, मैंने ये ले ली है और अभी इस द्वार से हमें आगे बढ़ना है। तो ये प्रवेश द्वार है, मैं अंदर आ गया हूँ और ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का पैसेज है अंदर का मंदिर का, और ये मंदिर है मुख्य मंदिर। तो ये त्र्यंबकेश्वर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, गौतम ऋषि के समय से ये मंदिर है और इसका जीर्णोद्वार नाना साहेब पेशवा ने करवाया था 1755 में और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर ये पूरा हुआ था मंदिर का काम। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में उस समय में 16 लाख रुपए खर्च हुए थे जो कि काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की जो कहानी है, जो कथा है, वो इस प्रकार है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियाँ किसी बात को लेकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज़ हो गई थी। ऐसे में महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। ब्राह्मणों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोवन से बाहर निकालने के लिए कहा। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को ऐसा न करने के लिए समझाया लेकिन वह नहीं माने। आखिर में भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी और विवश होकर भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण कर लिया और महर्षि गौतम के खेत में फसल चरने लगे। यह देख महर्षि गौतम ने जैसे ही गाय को भगाने के लिए तिनकों से उसे धीरे से मारा तो गाय वहीं पर मर गई। यह देख सारे ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम पर गो हत्या का आरोप लगाया और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया। इस पर महर्षि गौतम ने उनसे प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम से कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, 1 महीने तक व्रत और ब्रह्मागिरी की 100 परिक्रमा करो तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह न कर सको तो गंगा जी को यहाँ पर लेकर आओ और उसके बाद उसमें स्नान करो। तो यह सुनकर महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। महर्षि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए गए कपट और छल के बारे में बताया और उन्हें दंड देने की बात कही। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं, आप इन्हें माफ़ कर दें और हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए। तो गौतम ऋषि की प्रार्थना पर शिव जी यहाँ पर विराजमान हो गए और ये त्र्यंबकेश्वर कहलाया। तो त्र्यंबकेश्वर के शिवलिंग की विशेषता है कि ये त्रिमुखी शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग और कहीं नहीं है। और मंदिर के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें 3 प्राकृतिक लिंग बने हुए हैं और उन लिंग को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है।
तो मैं मंदिर में दर्शन करके आ गया हूँ। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए क्योंकि मैंने स्पेशल टिकट लिया था डोनेशन वाला 200 जिसका चार्ज था टिकट का। तो जल्दी से दर्शन हो गए, लगभग आधे घंटे में मैंने दर्शन कर लिए और मैं बाहर आ गया हूँ। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, ASI के अंडर में आता है ये मंदिर, पुरातत्व विभाग के अंडर में। तो ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जो मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 200 मीटर आगे आया हूँ मैं और यहाँ पर पास में कुशाव्रत तीर्थ है। एक त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गौतम ऋषि यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या जी के साथ यहाँ निवास करते थे। प्राचीन काल में वो खेती करते थे। उस खेती में एक दिन गाय चली गई, उन्होंने गाय को हकलने से का प्रयास किया तो उनको वो गाय वहाँ मर गई, उनको गोहत्या का पाप लगा। उन्होंने पाप निवारण करने के लिए त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में, पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ भगवान शिव जी की उन्होंने तपस्या की। वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हुए, उन्हें गोदावरी को आज्ञा की कि आप पृथ्वी के ऊपर प्रवाहित हो जाइए। गोदावरी मैया उनके जटे से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। भगवान शिवजी ने क्रोधवश वहाँ पे उन्होंने जटापट की और जटे में से गोदारी बाहर प्रवाहित हो गई। वहाँ गोदारी गुस्से में थी इसलिए से वहाँ से गोदारी गुप्त हो गई। तो दूसरा एक पहाड़ गंगा द्वारा वहाँ गौमुख से निकलती है, फिर वहाँ गौतम ऋषि उनके पीछे वहाँ तक चले गए गोदारी के पीछे, वहाँ गोदारी उनको मिली नहीं, फिर वहाँ से गोदारी लुप्त हुई। तो ज़मीन के अंदर से यहाँ गड्ढे में निकलती है, यहाँ से हमेशा पानी भरा रहता है। यह पानी आप निकालेंगे तो फिर नीचे से आता रहता है। अच्छा। फिर यहाँ से गोदारी नीचे कुंड में जाती है। फिर गौतम ऋषि ने यहाँ आकर गोदारी मैया की प्रार्थना की, उनको शांत किया और इस कुंड में उन्होंने स्नान किया, उनका गोहत्या का पाप निवारण हुआ। पृथ्वी के ऊपर चार जगहों पे अमृत की बूंदे गिरी है, एक इलाहाबाद प्रयाग में और हरिद्वार में, उज्जैन में, हरे त्र्यंबकेश्वर में, इस कुंड में गिरी, इसलिए हर 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ मेला होता है। त्र्यंबकेश्वर में ही रियल कुंभ मेला होता है, सब नागा बाबा यहाँ स्नान करते हैं। ये छोटी जगह है, ये आगे गोदारी है, बड़े होकर नासिक जाती है पंचवटी में, इसलिए पब्लिक के लिए वहाँ पे रखा है। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, शिव जी का स्थान है। जो शिव भक्त नागा बाबा है वो यहाँ स्नान करते हैं, वो नासिक में नहीं करते। नासिक में कौन? नासिक में जो शिव राम भक्त है, वैष्णव साधु, जो तीन अखाड़े रहे वो नासिक में करते हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान का पालकी, हर सोमवार के दिन यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं। अच्छा। यहाँ पंचामृत पूजा होता है, अभिषेक होता है, महा आरती करके फिर मंदिर में ले जाते हैं। खुशी यानी दर्भ, गौतम ऋषि ने यहाँ अभिमत करके चारों दिशाओं में डाला, तो यहाँ गंगा जी स्थिर हो गए, इसलिए इस कुश के नाम से इसको कुशावर्त बोलते हैं। तो ये थे हमारे साथ पुजारी जी जिनका नाम राजेंद्र जी है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया इस तीर्थ के बारे में, इसकी महत्वता क्या है वो बताया हमें। तो धन्यवाद एक बार फिर से पंडित जी। तो ये देखो काफ़ी पुरानी मूर्ति है, भगवान विष्णु लेटे हुए शेषनाग की सैया पर, और ये पानी इन्होंने बताया पुजारी जी ने जो कि गोदावरी नदी का है, गंगा द्वार एक जगह है वहाँ आता है, उसके बाद यहाँ आता है। यहाँ पर ये गोदावरी माता का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, आप देखो ये, और इसी तरह के काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं पूरे यहाँ पर। ये कुशावर तीर्थ है, पंडित जी ने हमें बताया, जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले यहाँ पर नहाते हैं और इसके बाद में त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर नहाने से ही सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, सारे दोष यहाँ पर निवारण हो जाते हैं। तो ये कुशावर तीर्थ है, काफ़ी महत्व की जगह है ये भी, तो ये मैंने आपको बताया, और मंदिर के बिल्कुल पास में है। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर और कुशावर तीर्थ दो सबसे मेन जगह है यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, वहाँ पर आगे कुशावर तीर्थ है जो मैंने आपको बताया था। हम चलते चलते यहाँ तक आए हैं और ये रास्ता जाता है ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए, लेकिन हम पहले इस तरफ जा रहे हैं,
यहाँ पर स्वामी निवृत्तिनाथ की समाधि है, जो कि संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे और उनके गुरु थे। तो हम समाधि पर जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से हम ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए चलेंगे। तो ये संत निवृत्तिनाथ भक्ति निवास है, आप चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो। एक रूम का 500 रुपया किराया लगता है यहाँ पर, और ये पूरा पैसेज है। और सामने ये मंदिर है, यहाँ पर निवृत्तिनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। यहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। सोपान तो ब्रह्मा मूल माया मुक्ताई धन्य 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 निवृत्ति राया। तो ये थी संत निवृत्तिनाथ जी की समाधि, जो कि संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई और गुरु थे। तो काफ़ी महत्व की जगह है ये भी त्र्यंबकेश्वर में। अभी हम यहाँ से सीधा ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाएंगे, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये कुणाल पाटिल है, और कहाँ से आप? दुलिया से। अच्छा, ये दुलिया महाराज से हैं। तो कुणाल भी ब्रह्मगिरी के लिए जा रहा है और मैं भी ब्रह्मगिरी के लिए जा रहा हूँ, तो दोनों साथ हो गए हैं, एक दूसरे को साथ मिल जाएगा। क्योंकि किसी ने बताया कि यहाँ पर ऊपर बहुत सारे बंदर हैं जो शैतान हैं, तो एक से दो होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बंदर के लिए कुछ ले लेते हैं और एक लकड़ी ले लेते हैं। वैसे तो सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन बंदर के लिए एक लकड़ी लेना जरूरी है, है ना? दादा बता रहे हैं बंदर बहुत परेशान करते हैं और अपना टैक्स वसूल करते हैं, तो उनका टैक्स ये है। तो ये साथ में लेके चलते हैं, लकड़ी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो दादा। अच्छा, आओ। तो यहाँ से अभी हमें ऊपर जाना है पर्वत के लिए, और ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसा लिखा हुआ है कि 6 बजे के बाद ऊपर कोई नहीं जाने का, क्योंकि काफ़ी सारे जानवर है। और यहाँ पर ये मंदिर है, एक ब्रह्मा सावित्री मंदिर है ये। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये टिकट काउंटर है वन विभाग का, यहाँ से हमें टिकट लेना होगा, जो कि 30 रुपये का है प्रति व्यक्ति। दो टिकट दीजिए ना। तो एंट्री टिकट हमने ले लिया है, 30 रुपये का एंट्री टिकट लगा पर पर्सन, मैंने आपको बताया। अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। पिकनिक मना रहे हो? यहाँ पर मंदिर है दुर्गा माता का, छोटा सा। बीच बीच में इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉल आते हैं, तो अगर आपको पानी चाहिए, कुछ खाने पीने का सामान चाहिए तो मिल जाता है। ये सारे जानवर मिलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर, पूरा फॉरेस्ट है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है मुक्ता देवी मंदिर, तो ये मुक्ता देवी मंदिर है, रास्ते में आता है ये। तो ये कल्पतरु का वृक्ष है, बहुत ही पुराना और बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है कल्पतरु वृक्ष। बहुत अच्छी तरह से पूरा रास्ता बनाया हुआ है, हर जगह पर स्टॉल है, खाने पीने के सारे सामान मिल जाते हैं। और कल्पतरु के जो पेड़ है उसका एक अलग आकर्षण है यहाँ पर। कल्पतरु के पेड़ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते हैं और बहुत पुराने होते हैं ये। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ देखो आप, टूटी फूटी सी है, इसीलिए ये रेलिंग भी लगाई हुई है। तो सीढ़ियाँ बिल्कुल ख़राब है यहाँ पर, इस जगह पर। टैक्स वसूलने के लिए बंदर बैठे थे वो बीच में, मैंने आपको बताया था बंदर टैक्स लेते हैं फिर ऊपर जाने को मिलता है, तो इनको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इनके लिए हम लाए हैं चने। ये देखो ये बंदर है। तो हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है देखो आप यहाँ पर, और भाई साहब बंदर अपना खाना खा रहे हैं। हमें जाने दो आगे। वो बैग, पानी का बॉटल नहीं लेने का बेटा, चना खिला देते हैं इनको। सच में बहुत सारे बंदर हैं। लेके जाता है। दो पहाड़ों के बीच में से सीढ़ी बनी हुई है देखो आप,
ये गुफा मंदिर है, यहाँ पर गौतम ऋषि और माता अहिल्या की मूर्ति है। देखो आप, बहुत पुराना मंदिर है ये। चना दे, खाओ चना खाओ। वीडियो निकालो, वीडियो निकालो। बहुत ही खड़ी सीढ़ी है और हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सा स्टॉल आया है और यहाँ पर हम पियेंगे नींबू शरबत। आहा, मजा आ गया। पानी का पुराना कुंड है लेकिन अभी के मनुष्य ने इसे गंदा किया हुआ है। ये देखो, तो सामने जो मंदिर दिख रहा है हमें वहां पर जाना है और ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, देखो आप, ब्रह्मगिरी मंदिर तो सामने है। नित्यम लक्ष्मी सुख संपदा यूं टाका ब्रह्मगिरी यात्रा प्राप्ति रस्तु। तो ये ब्रह्मगिरी मंदिर है, हम लोग इस वक्त मंदिर के अंदर है और यहाँ पर आप देखो ये शिवलिंग है और शिवलिंग में तीन लिंग है। तो यहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और यहाँ पर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश ने दर्शन दिए थे, इसीलिए इस लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं। तो ये शिवलिंग है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात विराजमान है और यहीं पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। तो सामने ब्रह्मगिरी मंदिर है, मैंने आपको बताया, और यहाँ पर ये कुंड है। कहते हैं यहाँ पर गौतम ऋषि ने स्नान किया था और यहाँ पर स्नान करने से उनकी जो गौ हत्या का दोष था वो उससे मुक्त हो गए थे। तो इसकी स्टोरी मैंने आपको सुबह बताई थी त्र्यंबकेश्वर में, वही स्टोरी है ये। और इस तरफ में यहाँ पर ये गौमुख है, यहाँ से गंगा जी निकलते हैं जिसे गोदावरी भी कहते हैं। गंगा जी का ही रूप है गोदावरी, दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी को। और यहाँ पर ये गोदावरी माता का मंदिर है, उनकी मूर्ति है। तो ये ब्रह्मगिरी मंदिर मैंने आपको बताया, यहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और यहाँ पर स्नान किया था, उसके बाद वो गौ हत्या के दोष से मुक्त हुए थे। लेकिन जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल आगे है। तो सामने जो है ये है गोदावरी का उद्गम स्थल, यहाँ पर प्रकट हुई थी गोदावरी। यहाँ पर लिखा हुआ है मूल गंगा मंदिर, तो ये जगह है जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ये जो आप कुंड देख रहे हो, यहाँ पर तीन जगह से पानी आता है, महाराज ने बताया हमें, एक उस कोने से, एक यहाँ से और एक वहाँ से, और ये तीनों अलग अलग पेड़ों से आता है। ये एक पेड़ है पीछे, इस तरफ में भी एक पेड़ है ये, और एक उस तरफ में भी पेड़ है जो थोड़ा कट चुका है वो वाला। तो इन तीनों पेड़ों से यहाँ पर इस कुंड में पानी इकट्ठा होता है और ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ से ये गोदावरी नदी धरती में चली जाती है और सामने वहाँ पर जो ब्रह्मगिरी मंदिर है मैंने आपको जो बताया था, वहाँ पर उस कुंड में वो दिखती है। ब्रह्मगिरी मूल अकाल मूर्ति हम बाद कुर्तम जड़ी रहा धारी ने मो
तो पीछे ब्रह्मगिरी मंदिर है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है जो मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ से इस तरफ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे शिवजटा मंदिर है और नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा है, देखो आप। और यहाँ पर ये सीधी खड़ी पहाड़ी है, बिल्कुल देखो आप, पूरा ये नीचे खाई है। और सामने की तरफ में, उस तरफ में हरिहर फोर्ट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं शिवजटा मंदिर की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं जटा मंदिर। वैसे यहाँ पर जटा मंदिर लिखा है लेकिन इसे शिव जटा मंदिर कहते हैं। तो ये शिव जटा मंदिर है और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रह्मगिरी मंदिर से जो गोदावरी माता जमीन में चली जाती है वो यहाँ बाहर निकलती है इस जगह से। आप देखो यहाँ पर पीछे पानी है, तो ये गोदावरी माता का पानी है। तो ये जो आपको गड्ढा सा दिख रहा है, यहाँ पर शिवजी बैठे थे इसलिए यहाँ पर ये निशान हो गया। एक निशान यहाँ पर है और एक निशान यहाँ पर पीछे की तरफ है इस तरफ। तो ये शिवजी के घुटनों का निशान है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर शिवजी ने अपने घुटने टिकाए थे और वो बैठे थे, उसके बाद में शिवजी ने अपनी जटाओं को यहाँ पर ज़ोर से पटका था ज़मीन पर, इसीलिए यहाँ पर ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है, जो डिज़ाइन दिख रही है, ये शिवजी के बालों की है ऐसा कहते हैं। तो ये शिव जटा है और इसीलिए इस मंदिर का नाम है शिव जटा मंदिर। तो ये शिव जटा मंदिर है, मैंने आपको यहाँ की कहानी बताई। यहाँ पर भी गोदावरी नदी निकलती है जब शिवजी अपनी जटा गिराते हैं, उसके बाद फिर से वो अंदर चली जाती है ज़मीन में और नीचे गंगा द्वार पे निकलती है। तो ब्रह्मगिरी पर ये तीन जगह मुख्य है, ब्रह्मगिरी मंदिर और उसके बाद गोदावरी का जो उद्गम स्थल मैंने बताया वो, और ये शिव जटा मंदिर। तो ये तीनों जगह मैंने आपको बताई। अभी हम थोड़ा ऊपर टॉप पर चलते हैं, वहाँ से एक बार नज़ारा देखते हैं, काफ़ी बढ़िया नज़ारा आता है ऊपर से, और उसके बाद में वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो ये चोटी है, लास्ट एंड पॉइंट है, यहाँ पर आ गया हूँ मैं और ये पूरा त्र्यंबकेश्वर है। उस तरफ में वो ब्रह्मगिरी मंदिर था जो मैंने आपको बताया था, नीचे यहाँ पर ये शिव जटा मंदिर है और ये पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत है, इस तरह से ऐसा है और फिर वहाँ से इस तरफ में ये इस तरफ आता है। तो पूरा ये ट्राइंगल शेप में है। तो व्यू आपने देखा, काफ़ी सुंदर व्यू है, ब्रह्मगिरी पर्वत बहुत शानदार है और स्पेशली अगर आप मानसून में आते हो तो कहना ही क्या इस जगह का। चारों तरफ फॉग और ग्रीनरी होता है और बादलों से ढका होता है ये। तो मैंने आपको ब्रह्मगिरी पर्वत ऊपर से दिखाया है, यहाँ के मुख्य स्थल दिखाए, मंदिर दिखाए, बाकी काफ़ी सारे श्रद्धालु ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत काफ़ी विशेष है, काफ़ी महत्व है इसका और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। बाकी नीचे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो मैंने आपको बताया था। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन और ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ना विशेष करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो